हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ मेरा नाइट रूटीन, जो कि हर लड़कियों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केमिकल में हम इतने पैसे डाल देते हैं और रात के टाइम पे हमें स्किन पे लगाना मतलब बोल सकते हैं ना कि हम बहुत हार्म कर रहे हैं हमारे स्किन को, और वो केमिकल की हैबिट डाल रहे हैं हमारे स्किन को। तो रात के टाइम पे एटलीस्ट आपको क्या यूज़ करना चाहिए, जो कि आप जैसे कि 6 या 7 आवर्स जो सोते हो, तो वो टाइम पे आपके स्किन पे वो चीज़ वर्क करे, काम करे। क्योंकि पूरा दिन क्या होता है, हम मेकअप लगा के रखते हैं या फेस पे जो भी हम क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं, तो जो डर्ट होता है, तो जो हमारे फेस पे जो हेयर्स रहते हैं ना, वहाँ पे बिल्डअप हो जाता है सारे डर्ट। तो रात के टाइम पे तो हमें ये सारी चीज़ें क्लियर करके ही सोना चाहिए, ताकि हमें ना पिंपल्स हो, ना ही वो टाइनी बम्स होते हैं वो ना हो हमारे स्किन पे, ब्लैक अजीब से मार्क्स हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, क्योंकि पिंपल्स होने के बाद ब्लैक स्पॉट्स तो होना ही है स्किन पे, तो वो बहुत ही ख़राब दिखता है और वो इतने ज़िद्दी मार्क होते हैं कि वो जल्दी निकलते नहीं हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है, क्योंकि मेरे टीनेजर के टाइम पे मैं ये सारी चीज़ फॉलो करती थी और आज भी ये सारी चीज़ मैं फॉलो करती हूँ आफ्टर 31 एज। तो आफ्टर 31 मैं आज भी मेरी स्किन को इतनी अच्छे से ग्लोइंग और विदाउट मेकअप भी मेरी स्किन बहुत ही अच्छी लगती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी स्किन मेरे जैसे अच्छी और ग्लोइंग हो, तो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना उसे फेंक दो, यूज़ ही मत करो सारी चीज़ें। ये जो आपको मैं प्रोडक्ट्स बताऊंगी, जो कि टॉप सीक्रेट प्रोडक्ट्स हैं, रात के टाइम पे हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो क्या क्या यूज़ करना है पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करके बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके स्किन को प्रॉब्लम है, हेयर्स प्रॉब्लम। मैं सारे DIYs आप लोग के लिए लाऊंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मेरे फेस पे मैं लगाऊंगी क्लींजर, जो कि सिटावेल का है, बहुत ही अच्छा क्लींजर है ये। तो आपको मसाज करना है रात के टाइम पे क्लींजर से, अच्छे से मसाज करो, जैसे मैं मसाज कर रही हूँ जेंटली, एकदम आराम से, ज़्यादा ऐसे भारी हाथ से मत करना, ज़्यादा हैवी हाथ से मत करना, आराम से करना मसाज। और आँखों के नीचे, ताकि डार्क सर्कल्स अगर है आपको, तो आँखों के नीचे भी अच्छे से मसाज करना, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। और एटलीस्ट ये 2 मिनट तक आपको ये मसाज करना है। तो 2 मिनट तक आपको ये मसाज करने के बाद वॉश कर लो फेस। फेस वॉश करने के बाद अच्छे से स्किन को ड्राई कर दो। उसके बाद मैं लगा रही हूँ गुलाब जल, मतलब आप गुलाब जल लगा सकते हो मॉइस्चराइज करने के लिए स्किन। तो गुलाब जल से बहुत ही अच्छा स्किन मतलब निखर के आता है, नरिश होता है हमारा स्किन। सब लोग सोचते रहेंगे यार गुलाब जल से क्या होता है, बट गुलाब जल इज़ बेस्ट फॉर स्किन। अगर रात के टाइम पे अगर आप गुलाब जल लगाओगे, तो बहुत सारा जो भी डर्ट अगर रहता है, बिल्डअप होता है हमारे स्किन पे, तो वो सारा रिमूव हो जाता है। अदरवाइज़ अगर गुलाब जल नहीं है, तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो मॉइस्चराइजिंग के लिए। तो आप रात के टाइम पे आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो फेस पे। तो अच्छे से मसाज करो एलोवेरा जेल को, जैसे मैं कर रही हूँ, आँखों के नीचे भी, ताकि अगर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा, अगर आप डेली ऐसे मसाज करते रहोगे तो। और डेली रात के टाइम पर अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा है। और उसको सूखने दो। सूखने के बाद मैं लगाती हूँ लैक्टोक्रिलामाइड, जो कि बहुत अच्छा क्रीम है, जो डॉक्टर भी बोलते हैं लगाने के लिए। और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, अगर पिंपल्स प्रॉब्लम है आपको, डार्क स्पॉट्स प्रॉब्लम है आपको, तो आप रात के टाइम पे ये लगा के सो जाइए। और इसमें 2 टाइप्स आता है, एक ड्राई स्किन के लिए आता है और एक ऑयली स्किन के लिए आता है, जो कि आप मेडिकल से आप ले सकते हो, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है, और चीप प्राइस में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप ये फेस पे मसाज करो लैक्टो, और हाथ पे मसाज करके
और फिर सो जाइए। तो मैं ऐसे टैप टैप करके उसको अच्छे से ऑब्जर्व करवा रही हूँ मेरी स्किन में। मेकअप या ऐसा कुछ। अब मैं एक सीक्रेट बताती हूँ मेरा, लिप्स पे हमें रात को हमेशा बाम लगाना चाहिए। तो मैं तो मोस्टली ज़्यादातर ये वैसलीन ही लगाती हूँ मेरे लिप्स पे। और आई लैशेज जो है मेरे, देखो आप देख सकते हो, मैंने ये काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ और मैंने देखा है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो आई लैशेज पे मैं वैसलीन लगा के सोती हूँ रात के टाइम पर, थोड़ा सा मसाज दे देती हूँ उसको एटलीस्ट 1 मिनट के लिए, तो मेरे आई लैशेज भी ग्रो होने लग गए उससे और थोड़ा थिकर और अच्छा डार्क हो गया है। प्लस मैं उसको आईब्रो पे भी रात को लगाती हूँ और ये वजह से मेरे आईब्रो भी डार्क है। हर कोई पूछता है तेरी आईब्रो इतनी डार्क क्यों है, तो यही है मेरा सीक्रेट आईब्रो का। सो बस इतना ही था। तो आप लोग ने देखा मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है मेरे फेस पे, और ये सारी चीज़ें टॉप सीक्रेट है स्किन का जो कि हर कोई ज़्यादा नहीं बताता। और जो मैंने क्लींजिंग यूज़ किया है वो मोस्टली डॉक्टर लोग भी हमें वो ही क्लींजर यूज़ करने बोलते हैं, उसी से फेस वॉश करने बोलते हैं, ताकि उससे पिंपल्स की अगर प्रॉब्लम है ना तो वो बहुत ही इजीली आपका पिंपल्स रिमूव हो जाता है। और वो क्लींजिंग इतना अच्छा है कि आपके स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। और रात के टाइम पे क्लींजिंग करना मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरा दिन मेकअप और ये सब चीज़ों में रहते हैं, तो रात को तो क्लीन करके सोना ज़रूरी ही है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ओके। और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब जो लिखा है वहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।